व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, लास्ट जो चैप्टर था हमारा, उसमें हम लोगों ने उस चैप्टर में प्रेसिडेंट के बारे में देखा, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता है, किस तरीके से हटाया जाता है, तो वो सारी बातें हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में जानी। तो आज हम सारी बातें इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे, और ये चैप्टर 18 है लक्ष्मीकांत के हिसाब से। तो 18 चैप्टर अब हम लोग देखने जा रहे हैं। मैंने वैसे तो बोला था आप लोगों को गवर्नर करेंगे, पर लेकिन काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती है प्रेसिडेंट के साथ में, तो इसलिए कोरिलेशन थोड़ा अच्छा बन पाएगा, और उसके बाद में फिर हम लोग गवर्नर पे चलेंगे, जिससे आप लोग अच्छे से कोरिलेट करके चलें। ओके, तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ पर, वेंकैया नायडू जी हैं, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं 2017 में ही, अभी नए नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, तो यहाँ पर आप सभी लोग को पता होगा, एक साइड में तो थे गोपाल गांधी जी, तो ये हैं गोपाल कृष्ण गांधी जी, इनका पूरा नाम है, ये ग्रैंडसन है महात्मा गांधी जी के, और फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी हैं। ओके, तो ये अपोजिट में थे वेंकैया नायडू जी के, तो ये तो गठबंधन के सदस्य थे, तो मतलब पूरा गठबंधन जो था उन्होंने मिलकर इनको अपनी साइड से उठाया था, जो अपोजिशन आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन ये बीजेपी के कैंडिडेट थे। तो जीतकर अब वेंकैया नायडू जी आए, जो कि नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जिससे कि कभी आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं कई बार को रिलेट करके आ जाते हैं और आपके माइंड में कंफ्यूजन डाल देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को क्वेश्चन देते हैं और कंडीशन डालते हैं प्रेसिडेंट की, या प्रेसिडेंट को क्वेश्चन लेते हैं कंडीशन डालते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सारी क्लैरिटी हो जाएगी लेक्चर को अगर अच्छे से सुनेंगे तो। तो वाइस प्रेसिडेंट का अगर देखा जाए, सबसे पहली बात तो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे, हम जो एमपी को चुनकर भेजते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है ना, जिस तरीके से यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनकर हम लोग भेजते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो चुनते हैं फिर आगे चल के। तो इस तरीके से जो इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, हम डायरेक्ट अपनी अथॉरिटी को नहीं चुन रहे हैं, हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे हमारी अथॉरिटी को चुन रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कई बार, इसमें आप लोगों को याद रखना है इलेक्ट्रोल जब कॉलेज की बात की जाती है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोल कॉलेज के बारे में जब यहाँ पर जिक्र किया जाता है, लास्ट जब हमने प्रेसिडेंट का देखा था और जो वाइस प्रेसिडेंट का आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोगों को याद रखना है। क्या क्या डिफरेंस है एक एक करके बताता हूँ। देखिए, जब यहाँ पर बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस की, तो बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर पार्लियामेंट के, ठीक है ना, तो ये दोनों यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जब हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखा था, वहां ओनली इलेक्टेड मेंबर थे, मैंने उसको बोल्ड में बनाया था पूरा गाढ़ा करके, जिससे कि आप लोग समझ सके इसको, तो वहां पर ओनली इलेक्टेड मेंबर थे, और यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर भी हैं, ठीक है, तो यहां पर कौन थे, ओनली प्रेसिडेंट में इलेक्टेड मेंबर थे। तो पार्लियामेंट की बात की जा रही है यहां पर, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, अब एक तो ये डिफरेंस हो गया, वहां पर इलेक्टेड थे, यहां पर नॉमिनेटेड भी है। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है ये, कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेगी, वो मैं आप लोगों को अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर अभी ये याद रखना है कि यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है कोई भी यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जिस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। ये दोनों बस डिफरेंस है, तीसरे वाला है जो बिल्कुल सिमिलर है दोनों में, यहां पर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को वहां पर समझाई थी, और सिंगल वोट ट्रांसफर है, ठीक है ना, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ही वोट जो होती है वो अलग अलग इंसान को ट्रांसफर कर दी जाती है। जिस तरीके से मान लीजिए यहां पर दो कैंडिडेट थे, एक तो थे यहां पर वेंकैया नायडू जी, और दूसरे थे गोपाल कृष्ण गांधी जी, तो दोनों को मान लीजिए यहां पर चार कैंडिडेट है, तो चार कैंडिडेट के सामने एक वोट होगी यहां पर चारों के हाथ में, और उस वोट पे यहां पर प्रेफरेंस लिखा रहेगा सबका, ठीक है, मान लीजिए चार पांच कैंडिडेट है जितने भी हैं यहाँ पर, जो भी यहाँ वोट डालने आए हैं, तो सब पे प्रेफरेंस लिखा जाएगा। तो पहला प्रेफरेंस मान लीजिए इन्होंने दे दिया, पहला प्रेफरेंस दिया वेंकैया नायडू जी को, और दूसरा दिया आर गोपाल गांधी जी को। यहाँ पे दूसरे वाले कैंडिडेट ने पहला प्रेफरेंस दिया आर गोपाल गांधी जी को, और दूसरा दिया वेंकैया नायडू जी को। तीसरे कैंडिडेट ने भी आर गोपाल गांधी जी को दिया, तीसरे ने दिया वेंकैया नायडू जी को। चौथे कैंडिडेट ने क्या किया? चौथे कैंडिडेट ने वेंकैया नायडू जी को दिया और आर गोपाल गांधी जी को सेकंड प्रेफरेंस दिया। तो फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड से प्रेफरेंस लिखा रहता है वोट पे। और पांचवे कैंडिडेट ने फिर से वेंकैया नायडू जी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया और इनको सेकंड प्रेफरेंस दिया। तो इस तरीके से जिसके भी ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएंगे वही आदमी जीत जाएगा। मतलब एक ही आदमी दो दो आदमियों के नाम से वोट डालता है। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी होते हैं जो यहां पर इलेक्ट्रोल कॉलेज के होते हैं, तो एक ही इंसान को दोनों वोट देना होता है, ठीक है ना। तो सिंगल वोट ट्रांसफर हो रही है दोनों पे, मतलब वेंकैया नायडू जी को भी जा रही है और गोपाल गांधी जी को भी जा रही है, तो एक ही वोट दोनों के लिए एप्लीकेबल हो रही है यहाँ पे। और जिसकी फर्स्ट प्रिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वही आदमी जीत जाएगा। तो यही प्रोसेस मैंने आप लोगों को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी अच्छे से समझाया था, वही प्रोसेस यहाँ पर रिपीट हो रहा है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही।
अब यहाँ पर डिफरेंस की बात की जा रही है कि ऐसा डिफरेंस क्यों किया जा रहा है यहाँ पर दोनों के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट में। तो डॉक्टर बीराम जो बी आर अम्बेडकर जी हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है, देखिए जब प्रेसिडेंट की बात आती है तो सारे जो भी काम होते हैं हम लोगों ने देखा, लेजिस्लेटिव वर्क होते हैं, फाइनेंशियल वर्क होते हैं, एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं, या फिर डिफेंस से रिलेटेड, या फिर पार्डन से रिलेटेड, या फिर वीटो पावर जो होती है, तो वे सारे पावर प्रेसिडेंट की होती है। तो प्रेसिडेंट के नाम पर सारे काम किए जाते हैं और हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट को ही बोला जाता है। ओके, तो यहां पर यह बात हम लोगों ने अच्छे से देखी थी। पर लेकिन अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो यहां का जो नॉर्मल फंक्शन होता है अगर देखा जाए इनका, तो वो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को एक तरीके से प्रिजाइड करना होता है इनका काम। ओके, और हेड होते हैं टेम्परेरी, अगर इसको देख लिया जाए टेम्परेरी पीरियड के लिए इनको हेड बना दिया जाता है, जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं होते हैं तब इनको हेड बना लिया जाता है। तो इसीलिए यहां पर ओनली टेम्परेरी पीरियड का जो हेड बनाया जाता है उसके लिए उस तरीके से प्रोविजन रखना अच्छी बात नहीं है जिस तरीके से प्रेसिडेंट के लिए रख रखे हैं, क्योंकि मेन जो हेड है जिसके नाम पर सारे काम होते हैं वो प्रेसिडेंट है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट है। तो इसलिए ये डिफरेंस किया गया है, यहां पर स्टेट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट में, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं रह जाता यहां पर, ठीक है। और प्रेसिडेंट के में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आप लोगों को माइंड में रखना है, दोनों में डिफरेंस जो है थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं आना है। तो इसीलिए स्टेट लेजिस्लेटर को नहीं नेसेसरी लगता है कि उसको इनवाइट करना चाहिए और उनको यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन सब कंडीशंस को देखते हुए कि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को बोला जाता है। तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है। क्वालिफिकेशन भी लगभग सारी इक्वल है, बस लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहला सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट में भी था, 35 ईयर कंप्लीट करना प्रेसिडेंट में भी था, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये डिफरेंट है यहाँ पर, ये याद रखना है। जो डिफरेंस है वहां पर ज्यादा फोकस दूंगा, बाकी तो रिपीट हो रहा है। ओके, तो यहां पर ये राज्यसभा का है वाइस प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट था वो लोकसभा का मेंबर होना था, क्वालिफाइड करना चाहिए था वो सभा के मेंबर की। ओके, तो यहां दोनों में ये वाला डिफरेंस है, आप लोग याद रखते हैं। ये तो वही बात आ गई फिर से कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, या किसी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर, इनको लोकल पब्लिक अथॉरिटी भी हो उसके अंडर इनको वर्क नहीं करता हुआ होना चाहिए। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे माइंड में क्लैरिटी रखनी है। इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे अगर आप लोग इस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे तो। ओके, अब जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था तो कई स्टूडेंटों ने नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था ये कि ये क्या सिस्टम है कि 50 मेंबर तो यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं और 50 मेंबर यहां पर प्रपोज कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर ये 20 मेंबर होते हैं जो कि एक तरीके से प्रपोजर करते हैं और 20 मेंबर होते हैं जो कि सेकंडर होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब ये होता है कि 20 मेंबर तो यहां पर प्रपोज करेंगे, जब प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन होगा तो 20 मेंबर उसको सपोर्ट करेंगे यहां पर, ठीक है ना। जब वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे जो कि यहां पर 50 मेंबर कर रहे थे, ओके, उसको सपोर्ट, उसको प्रपोज करेंगे नाम की, ये नाम अच्छा है हम इस नाम को प्रपोज कर रहे हैं, तो वहां पर प्रेसिडेंट में तो 50 मेंबर होने चाहिए। इलेक्ट्रोल कॉलेज की बात की जा रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोल कॉलेज के 50 मेंबर प्रेसिडेंट के नाम को यहां पर प्रपोज करेंगे कि ये बंदा हमारा प्रेसिडेंट होगा, तभी जाके उसका नॉमिनेटेड भरा जाएगा। इसी तरीके से 20 मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के नाम को प्रपोज करेंगे कि ये वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए, तो तभी उसका नॉमिनेशन भरा जाएगा। इसके अलावा सपोर्ट अलग से 50 मेंबर का होना चाहिए फिर, ठीक है ना। 50 मेंबर यहां पर प्रपोज करेंगे नाम और 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए, तो टोटल मिलाकर 100 मेंबर यहां पर होने चाहिए। इसी तरीके से यहां पर 20 मेंबर का नाम प्रपोज करना है और 20 मेंबर यहां पर क्या करने हैं, सपोर्ट करने हैं, तो यहां पर टोटल 40 मेंबर चाहिए इलेक्ट्रोल कॉलेज के। तो दोनों में डिफरेंस है, यहां पर 50 मेंबर की बात की जाती है सब प्रपोज करने वाले और सपोर्ट करने वाले, यहां पर 20 मेंबर की बात की जाती है प्रपोज करने वाले और सपोर्ट करने वाले। तो दोनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, दोनों में माइंड में क्लैरिटी रखनी है। ओके, तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन था, ये आप लोगों का आंसर हो गया यहां पे। आइए अब आगे चलते हैं। आगे बात की जाती है ओथ और अफर्मेशन की, ये हम पहले भी देख चुके थे। ओथ तो ली जाती है जैसे उस पर गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं, तो वो एक तरीके से गॉड के नाम पर हो जाती है। अफर्मेशन उनके लिए होती है जो भी इंसान भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है, तो उनके लिए होती है। अलग अलग वर्ड है, बस उनके लिए यूज कर लिया जाता है ये। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाते हैं वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, या फिर प्रेसिडेंट अगर नहीं हुआ तो उस टाइम पर कौन दिलाएगा, इनके बिहाफ में अगर ये किसी को बोल देते हैं कि वोट दिलाना है तो अपने बिहाफ में ये किसी को भी बुलवा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी यहां पर इसको वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिला सकता है। ओके, तो ये आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी रखनी है। फर्स्ट नेम जो है यहां पर प्रेसिडेंट का नाम है। ओके,
आगे यहाँ पर ऑफिस के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर इनके कि ऑफिस की टर्म्स क्या होती हैं। देखिए नॉर्मली तो 5 साल के लिए रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है 5 साल में वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं। अच्छा हामिद अंसारी जी कितने टाइम तक रहे थे, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट गए हैं वो कितने टाइम तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ओके तो यहाँ पर क्या बात की जाती है, यहाँ पर देखिए ये कैन रिजाइन कर सकते हैं जब इनका मन करे, अगर इनका मन नहीं करा कंटिन्यू करने को तो यहाँ पर ये प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। इसी तरीके से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है, दोनों एक दूसरे का रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। इसी तरीके से स्पीकर जो होता है डिप्टी स्पीकर को देता है और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्यों देता है, वो मैं आप लोगों को जब स्पीकर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा अच्छे से वहां पर। ओके इसके अलावा इनको ऑफिस से हटाया भी जा सकता है, रिमूवल किया जा सकता है, पर लेकिन इसको इम्पीचमेंट के तरीके से हम इसको नहीं बोलेंगे, फॉर्मल इम्पीचमेंट बोल सकते हैं वैसे, पर प्रॉपर वाला इम्पीचमेंट नहीं बोलेंगे जिस तरीके से प्रेसिडेंट का हम लोगों ने डिस्कस किया था यहां पे। ओनली देखिए एक तो सबसे पहले ये याद रखना है रिमूव्ड बाय राज्यसभा, ये राज्यसभा में ही पॉसिबल है, जबकि प्रेसिडेंट का हम लोगों ने देखा था लोकसभा में भी स्टार्ट कर सकते हैं रिमूवल और राज्यसभा में भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर लेकिन यहां पर राज्यसभा में ही होगा और वो भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से होगा। ओके एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, तो राज्यसभा के जो टोटल मेंबर होंगे उसकी वोटिंग के बेस पर यहां पर डिसाइड किया जाएगा, और लोकसभा को बस एग्री करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है लोकसभा को बस एग्री करना है, वहां पर स्पेशल मेजोरिटी थी जब प्रेसिडेंट को हटाया जा रहा था लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, 14 डेज का दोनों को पीरियड यहां पे दिया गया था, अब नोटिफिकेशन दिया गया था वो दोनों को इक्वल दिया गया था, पर लेकिन ये चीज डिफरेंस थी दोनों में, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। यहां पर राज्यसभा फोकस में रहती है, राज्यसभा की क्वालिफिकेशन होना चाहिए, राज्यसभा में इनको हटाने के लिए स्टार्टिंग में रिजोल्यूशन चलाया जाता है। ओके तो ये सारी चीजें राज्यसभा में ही होती है, पर लेकिन ये भी आप लोगों को याद रखना है कहीं भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें मेंशन नहीं है, एक तरीके से ये चीजें चली हुई आ रही है, तो कन्वेंशन बन गई है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो चीजें चली आ रही हैं तो एक तरीके से वो नहीं बोलते हैं कि एक इस तरीके से रूढ़ीवादी से जो चीजें चली आ रही हैं, आप लोग वर्ड भी यूज करते हैं कई बार इसके लिए कि प्रथा चली हुई आ रही है, तो ये एक प्रथा चली हुई आ रही है पुराने टाइम से। ओके तो ये कंटिन्यूअस है ऐसे की ऐसी आज तक भी। आगे देखिए आगे वैकेंसी किस तरीके से हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट की, अगर बात की जाए सबसे पहले तो यही है कि 5 साल उनके कंप्लीट हो जाए, उनकी वैकेंसी हो जाए, इसके अलावा वो रिजाइन दे दे प्रेसिडेंट को जाके, अपना रिजिग्नेशन लेटर दे दे कि मुझे काम नहीं करना है, पसंद नहीं आ रही है मुझे चीजें, इसके अलावा उनको रिमूवल कर दिया जाए, जो कि हम लोगों ने अभी देखा रिमूव कर दिया जाए राज्यसभा के द्वारा चीजों को हटाकर, इनको वहां से हटा दिया जाए। चौथा है इनको इनकी डेथ हो जाए तब भी प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी ऑफिस खाली हो जाता है, या फिर इलेक्शन जो है इनके इनको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाए, जो कि रिक्वायरमेंट है वो चीजें यहां पर कंप्लीट ना हो और इनको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाए तो तब भी ऑफिस खाली हो जाता है। तो 5 तरीके से यहां पर ऑफिस खाली हो जाता है। ओके तो 5 ही तरीके हम लोगों ने प्रेसिडेंट के टाइम पर देखे थे, 5 ही तरीके यहां पर है जो वैकेंसी ऑफिस में होती है। तो एक ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी है तो यहां पर इसको लिखा जाता है फिल एज सून एज पॉसिबल, यहां पर कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, एज सून एज पॉसिबल लिख दिया, जबकि प्रेसिडेंट में फिक्स है 6 मंथ के अंदर अंदर ही आप लोगों को इलेक्शन कराने हैं, 6 महीने से ज्यादा नहीं जा सकते, पर यहां पर यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है, तो 6 महीने है, यहां पर क्या है यहां पर एज सून एज पॉसिबल लिख दिया जाता है। ओके तो ये याद रखना है। अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी कोई डाउट होता है या फिर कोई डिस्प्यूट होता है तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट होलसोल अथॉरिटी होता है इन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, जिस तरीके से प्रेसिडेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ही होता है उसी का ही फाइनल डिसीजन माना जाता है। ओके अगर आप यहां पर देखें, ये यहां पर बोला जा रहा है कि फंक्शन अगर वाइस प्रेसिडेंट के देखें तो यहां पर बोला जा रहा है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनते ही एक्स ऑफिसियो मतलब चेयरमैन तो बन ही जाते हैं वो, तो नो जो इनका पद होता है जिसके ऊपर पावर होती है एक तरीके से होती है राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में इनको सैलरी दी जाती है, तो असली पावर तो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में इनको जाना जाता है, बाकी तो वाइस प्रेसिडेंट तो इनको इसलिए बना दिया गया है, मान लीजिए प्रेसिडेंट की वैकेंसी हो गई है किसी कंडीशन से तो हेड होना चाहिए ना स्टेट का कोई ना कोई, तो एक तरीके से स्टपनी के तौर पे यूज किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा स्कूटर के पीछे एक स्टपनी लेके चलते हैं कि एक टायर में पंचर हो जाए तो इसको चेंज करके लगा लेंगे, फिर गाड़ी में भी स्टपनी रखते हैं, तो इनको स्टपनी भी बोला जाता है कई बार प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है तो ये वाइस प्रेसिडेंट यहां पर ये काम करते हैं जिससे कि हेड ऑफ द स्टेट का जो ऑफिस है वो खाली न रहे। ओके इसके अलावा क्या बात बोली गई, इसके अलावा बोली गई है वैसे तो नॉर्मली जब राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उस तरीके तो स्पीकर की तरीके से वर्क करते हैं जिस तरीके से लोकसभा में स्पीकर वर्क करता है। ठीक है एक्ट एज ए प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं जब वैकेंसी हो, तो यहां पर मैक्सिमम पीरियड के लिए 6 महीने के लिए रह सकते हैं, क्यों, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है इनडायरेक्ट वे में कि वाइस प्रेसिडेंट कितने मैक्सिमम टाइम तक प्रेसिडेंट बना हुआ रह सकता है, तो ये 6 महीने तक मैक्सिमम प्रेसिडेंट बना हुआ यहां पर रह सकता है। ओके और जब ये प्रेसिडेंट बना हुआ रहेगा तब ये राज्यसभा के चेयरमैन की तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, उस टाइम पे डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं वो वहां पर पूरा फंक्शन परफॉर्म करेंगे और वो वहां पर पूरी अथॉरिटी उनकी मानी जाएगी डिप्टी की, जो कि यहां पर इस टाइम पर
जो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की थी वो पूरी पावर अब यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन में आ जाएगी, जो कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन है। अच्छा, कौन है अभी यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, ये बताइए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में। कुछ पर्सन है, कुछ अथॉरिटीज हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए कि कौन सी अथॉरिटी है आज की डेट में जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा की। अब यहां पर थोड़ा कंपेयर किया जा रहा है कि देखिए जो हमारे यहां पर ऑफिस होता है, आप लोगों को ये याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट का जो हमारे यहां पर ये ऑफिस होता है ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट होता है, पर यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट की पावर और हमारे वाइस प्रेसिडेंट की पावर में डिफरेंस है। ठीक है, तो अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है, अगर कभी प्रेसिडेंट को अनएक्सपेक्टेडली कुछ काम ऐसी कंडीशन हो गई कि उनको हटना पड़ गया, तो वहां पर चार साल से पहले इलेक्शन होते ही नहीं है, एक तो ये बात याद रखनी है। तो चार सालों तक वहां पर अगर एक डेढ़ साल होते ही वाइस प्रेसिडेंट चला गया तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट वर्क करेगा वहां पर। ठीक है, तो उनको एक्सपायर नहीं होगा, वो एक तरीके से प्री डिसीजर की तरीके से काम करेगा वहां पर, एज ए प्रेसिडेंट ही काम करेगा। ओके, जिस तरीके से यहां पर मतलब एक तरीके से पूरी पावर हो जाएगी जैसे प्रेसिडेंट की पावर है, पर हमारे यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहां पर पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए हमने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस रखा है, इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को कई बार स्टेपनी बोला जाता है प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की कैपेसिटी जो है यहां पर एक तरीके से इसी तरीके से है कि उनको एक तरीके से कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ये ऑफिस हमने क्रिएट किया था। और ये भी याद रखना है, इनको जो सैलरी मिलती है वो इनको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं मिलती है, सैलरी जो मिलती है इनको चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के तौर पर इनको सैलरी दी जाती है, जो इनकी तनख्वाह आती है वो चेयरमैन है ये राज्यसभा के, इसीलिए इनकी तनख्वाह आती है, ना कि इसलिए तनख्वाह आती है कि ये वाइस प्रेसिडेंट है। तो इसीलिए जो पूरी पावर है इनकी वो यहां पर इन्वेस्टेड है, वहां पर तो इनका नाम चारे के लिए इनको रख दिया गया है, वैसे वहां पर इनसे कोई कनेक्टेड नहीं रहती है चीजें। अच्छा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताइए कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। ओके, तो देखिए क्वेश्चनों के आंसर देते रहिए कीजिए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगता रहता है थोड़ा, तो मैं भी फिर लेक्चर बनाने में थोड़ा मोटिवेट फील करता हूं, तो आप लोग थोड़ा जितने ज्यादा पार्टिसिपेट करें उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये आर्टिकल्स हैं जो वाइस प्रेसिडेंट से कनेक्टेड, आप ये आर्टिकल भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर 63 से लेके आर्टिकल 71 तक वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, यहाँ पर किस तरीके से एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं वे काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा के। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म करते हैं ये बात बताई गई है, इलेक्शन किस तरीके से होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के ये आर्टिकल 66 में बताया गया है। 67 में बताया गया कि टर्म्स क्या है ऑफिस की, जो सारी चीजें हम लोग देख सके हैं, और किस तरीके से यहाँ पर वैकेंसी फिल की जाती है वाइस प्रेसिडेंट की, ये 68 में बताया गया है। 69 में किस तरीके से ओथ दिलाते हैं इनको प्रेसिडेंट, वो बात बताई गई है। 70 में जिस तरीके से डिस्चार्ज करते हैं प्रेसिडेंट के फंक्शन, ठीक है ना, तो वो बात यहाँ पर बताई गई है। और इसके अलावा जो मैटर रिलेटेड टू द कंसर्न इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो कि इलेक्शन जो कि बात जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो यहां पर वो बातें की गई है। तो ये सारी आर्टिकल आप लोग याद रख सकते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ओके, तो देखिए कंप्लीट यहां पर हमारा चैप्टर हो गया। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी और यहां पर मिल जाएगी, दोनों जगह से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, और क्वेश्चनों के आंसर भी दिया कीजिए नीचे। ओके, और चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए अगर पसंद आती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।